जिनको एंड टाइप में अभी मेरे पास जो माल उतरा है इसमें 585 वाट भी है मेरे पास, ठीक है, और 580 वाट भी है। अच्छा वोल्ट बताएंगे जरा, इसकी वोल्ट सर इसके तकरीबन 52 वोल्ट होते हैं और 14.5 एम्पियर होते हैं। सर ये लोन जी IMO6 से ए ग्रेड TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है। अच्छा, ये भी मेरे पास अच्छा, बताइए इसके वोल्ट्स बताइए जरा वोल्ट्स। इसके भी 52 वोल्ट 14 एम्पीयर होते हैं, दोनों के सेम ही होते हैं। पी टाइप की अभी डिमांड तो है, ऐसी बात नहीं कि पी टाइप नहीं बिक रहा, उसकी भी डिमांड बहुत है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की अभी ज्यादा डिमांड हो गई है। लैंड लॉसेस 25 से 30% है इसमें, लैंड लॉसेस और एंड टाइम में लैंड लॉसेस तकरीबन 15 से 10% है। क्लिनिक में PV4200 मॉडल है, 3.2 है, बैटरी विदाउट बैटरी दोनों चलता है। ये डायमंड 6.5 है, 8.5 वाट सोलर कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये 48 वोल्ट में और 6.5 किलोवाट में, 12 किलोवाट है। पाकिस्तान में पहली बार जूनिंग कंपनी ने मुतारिफ कराया सिंगल फेस में, सिंगल फेस जी। इसकी सोलर कैपेसिटी 15,000 वाट है, इस पर आप 24 से 26 पैनल लगा सकते हैं। इसकी भी बहुत डिमांड है, इसमें 6 किलोवाट भी आता है, इसमें 6 किलोवाट भी आता है। और कितने कितने किलोवाट आता है इसमें? 6 किलोवाट आता है नेटवर्क, इसमें 8 किलोवाट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। सोलर पैनल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर एक अरसे तक ये रही कम, और 2023 के तकरीबन 6 माह तक अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये कीमतें काफी हद तक रही। हमने मुतादी वीडियो इस सिलसिले में बनाई और आपको रेट से बाखबर रखा, और हम बार बार ये अपने देखने वाले नाजीन से कहते रहे कि यही वक्त है, बेहतरीन वक्त है सोलर सिस्टम खरीदने का, सिस्टम लगवाने का, क्योंकि इससे कम कीमतें नहीं मिलेगी। एक बार फिर कीमतों में रद्दोबदल स्टार्ट हो गया है और ये तकरीबन फरवरी का महीना चल रहा है, कीमतें मुस्तकिल रद्दोबदल जा रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी कीमतें नहीं जा रही। इसी हवाले से हम रेट लेने के एक बार फिर हम पहुंचे कराची के इलाके सदर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल मार्केट में, जो कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की भी होलसेल मार्केट है। हर किस्म का यहाँ पे सामान सोलर से मुताल मिल जाएगा, और ये तमाम सामान आपको होलसेल मिल जाएगा। हर तरह की वरायटी मिलेगी, जिनमें जिनको एन टाइप पी टाइप IMO5 IMO6 जे कैनेडियन हर तरह की आपको वरायटी यहाँ पे सोलर पैनल मिल जाएंगे, तमाम ए ग्रेड वाले मिल जाएंगे। शॉप का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो मौजूद है, आप इस समय प्राप्त करके किसी भी किस्म के सोलर पैनल्स या इन्वर्टर से मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आपको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी करते प्रेस, ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन वीडियो को खुश करके। तो आइए चलते हैं, भाई से पूछते हैं कि इस वक्त के करंट रेट्स क्या है सोलर पैनल्स के और इन्वर्टर्स के, और कौन कौन सी वैरायटी उनके पास मौजूद है। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फारूक भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। हम पहले भी कई मतलब आपकी शॉप पे आ चुके हैं सोलर इन्वर्टर्स के रेट लेने के लिए और सोलर पैनल्स वगैरह के लिए, क्योंकि आपके पास होलसेल रेट में मौजूद हैं। बहुत बड़ी मार्केट है कराची की, सबसे बड़ी मार्केट है सदर की इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त मार्केट की पोजीशन क्या है, क्योंकि रेट में रद्दोबदल मुस्तकिल तौर पर जारी है, जब से नया साल शुरू हुआ है, जनवरी के स्टार्टिंग से शुरू हो गया था ये, और हम बार बार ये कहते रहे पिछले साल तकरीबन 6 माह तक 2023 में ये तारीख की कम तरीन सतह पर सोलर पैनल्स की रेट थे सोलर सिस्टम लगवाने का, यही नातिब होता है। हम बार बार अपने देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे ये कहते रहे, इसी हवाले से हमने मुतादिद वीडियोस बनाई और अपने जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको आगाह रखा कि उस सबके करंट रेट्स हैं। हम एक बार फिर आपके शॉप पे आए, तो ये बताइए कि इस मार्केट की सुरक्षा क्या क्या पोजिशन है, पोर्ट की क्या पोजिशन है, और इस जो सप्लाई आ रही है पीछे से क्या पोजिशन है उसकी? सर पोजीशन ये कि इससे पहले जो आपने वीडियो बनाई थी तकरीबन एक महीना हो गया इस पे जी, तो हमने उसी टाइम भी यही कहा था कि रेट काफी नीचे आ गए, तब मार्केट रेट थी 45-48 रुपए थी, 49 रुपए थी, यही रेट थे, 50 से नीचे ही थे, ठीक हो गया। उस टाइम भी लोग यही कमेंट्स करते थे कि 40 रुपए हो जाए, 35 रुपए हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो इसलिए कि उतनी कॉस्टिंग इंपोर्टर को भी नहीं पड़ती, जो लोग कमेंट्स करते हैं ना कि है ना माफिया है, ये है वो है, 10 बातें निकालते, कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता। जो कमेंट्स करते हैं मार्केट में सबसे पहले वही माल लेने आए थे, उनको पता कि जब वो मार्केट के अंदर नहीं होते तो उन्हें पता चलता कि रेट तो वाकई में काफी ऊपर है। तो अभी रेट काफी कम सतह पर आ गए थे, अभी वापसी ऊपर चले गए, तो हमने भी काफी जोर कोशिश की कि है ना सेल ही ना करे। हम खुद ये बाइकआउट कर रहे थे सोलर पैनल, लेकिन मजबूरी है लोगों की, असल में यहाँ से बिजली के बिल यूनिट फिर बढ़ गया, रेट फिर बढ़ गया, बहुत सारी कीमतें हो चुकी हैं, तो इस वजह से भी कस्टमर आ रहे थे, तो इसलिए हमने वापस सेल करना शुरू कर दिया। वरना हम खुद परचेजिंग कर रहे थे ना बेच रहे थे, हमने खुद ने बाइकआउट किया हुआ था, लेकिन अभी वापस सेल शुरू कर दी। अभी भी यही है कि डॉलर भी ऊपर है और रेट भी अप डाउन हो रहे हैं। अभी फिर रेट अभी पिछले हफ्ते रेट थे तकरीबन 62-60 रुपए थे, इस हफ्ते रेट और कम हो गए, तो अभी भी हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से रेट देंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये एक दफा की इन्वेस्टमेंट है,
और इसके अलावा फिर ऐसी बात है, काफी हद तक बिजली के बिलों में कमी हो जाती है। लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी, इसको जरा क्लियर कीजिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, बिजली के बिल से बिल्कुल जान नहीं छूटती। वो ये कि जैसे आपका किसी का घर का बिल आता था 15,000-20,000, तो उनका वो बिल आता है 7,000-8,000। अगर आप वहां से देखे तो आपको वहां से 8-10,000-12,000 रुपए बच रहे हैं। अगर आप इसको 12 महीने लगाए तो 1,20,000 रुपए, मतलब 2-2.5 साल के अंदर आपके सिस्टम के सारे पैसे बाहर आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताइए कि स्पेशलिटी क्या होती है आपके शॉप पे, मतलब क्या क्या होता है? जो हमारे पुराने देखने वाले उनको तो पता है, जो हमारे नए देखने वाले व्यूअर्स उनको बताइए क्या क्या अवेलेबल थी आपके पास। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोलर से मुतालिक हर आइटम होता है, जिसमें हमारे पास लिथियम आई बैटरी होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ट्यूबुलर बैटरी होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, अच्छा, जिसमें हमारे पास ऑन ग्रिड 3-फेज इन्वर्टर होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास L2 स्टैंड होते हैं, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सारे मॉडल होते हैं, इन्वर्टर से मुतालिक सारे मॉडल होते हैं, सोलर पैनल में भी सारे मॉडल होते हैं, जिसमें जिंको एन टाइप हो गया, लॉन्जी आईमो 6 हो गया, जिंको पी टाइप हो गया, कैनेडियन बाइफिशल एन टाइप हो गया, जे बाइफिशल हो गया, सारे अवेलेबल, सारे मॉडल होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। और ये मतलब ए ग्रेड पैनल्स होते हैं आपके पास? जी जी, ए ग्रेड TR1 होते हैं, ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है, मतलब स्कैनर डॉक्यूमेंट्स वाले वाले जी जी, ए ग्रेड TR1 डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं। अच्छा, कौन सा पैनल दिखा रहे हैं सबसे पहले बताइए जरा? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जिंको एन टाइप, जिसकी काफी डिमांड है आजकल मार्केट में, ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जिंको एन टाइप पड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी पहचान क्या जरा बताएंगे सर? इसके इसके बस बार के अंदर 16 लाइनें होती है। अच्छा, 16 लाइनें जी, और इसी में जो पी टाइप होता है उसके बस बार के अंदर 10 लाइनें होती है। ये देखिए, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, ये पी टाइप की पहचान जी, पी टाइप की ये पहचान है, और एन टाइप की ये पहचान है। इसके अंदर 16 लाइनें होती है बस बार के अंदर, ये आप गिनती कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 लाइनें होती है, ठीक है। अभी कितने वाट का बताएंगे सर? इसमें मेरे पास जिंको एन टाइप में अभी मेरे पास जो माल उतरा है, इसमें 585 वाट भी है मेरे पास, ठीक है, और 580 वाट भी है। अच्छा, वोल्ट बताएंगे जरा, इसके वोल्ट सर? इसके तकरीबन 52.5 वोल्ट होते हैं और 14.5 एम्पीयर होते हैं। जी, और पी टाइप में अगर हम बोले तो दोनों में क्या फर्क है? पी टाइप में ये होता है, पी टाइप में 49 वोल्ट होते हैं और 13 एम्पीयर होते हैं। अच्छा, रेट के वाले से बताएं जरा, ये जिनको एन टाइप के जी? सर जिनको एन टाइप के हम कोशिश करेंगे मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उससे कम करें, कोशिश आपके व्यूअर्स वगैरह को रेट दे और बेनिफिट दे, क्योंकि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है कराची जी, सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं और हम मेजर जीनिक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अच्छा, यहाँ से लेकर सिंध तक और सरहद तक हम लोग ही माल सप्लाई करते हैं, इन्वर्टर वगैरह, ठीक है। तो मार्केट में क्या पोजीशन है सर, रेट किसके? मार्केट में अभी जो जिंको एन टाइप चल रहा है सिंगल गिलास 580-585 वोल्ट, मार्केट जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 58-59। अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन हम आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं ना जी, उनको वो पड़ जाएगा 56.5 रुपए पर वाट पड़ जाएगा। अच्छा, इतना जी, बहुत ज्यादा रेट कम दिए हमने आपको, ठीक है ना। बाकी अभी जो भी इसके अलावा हमारे पास ब्रांड है लॉन्जी आईमो 6, उसका भी कोशिश करेंगे हम आपको रेट कम दे जी जी। लॉन्जी बताएंगे सर, लॉन्जी के बारे में? सर ये लॉन्जी आईमो 6 है, ए ग्रेड TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है। अच्छा, ये भी मेरे पास बताइए इसके वोल्ट्स, बताइए जरा वोल्ट्स। इसके भी 52.5 वोल्ट 14 एम्पीयर होते हैं, दोनों के सेम ही होते हैं, दोनों सही होते हैं जी, बस ब्रांड का फर्क है। ये लॉन्जी है वो जिंको एन टाइप है। कितने वाट का ये? 580 वाट है, ये भी ए ग्रेड TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है। अच्छा, ये बताइए मार्केट में जिंको एन टाइप और टेक्नोलॉजी नहीं है ना। अच्छा जी, तो इसलिए इसकी ज्यादा डिमांड है। पी टाइप की अभी डिमांड तो है, ऐसी बात नहीं कि पी टाइप नहीं बिक रहा, उसकी भी डिमांड बहुत है, ठीक है, लेकिन इन दोनों की अभी ज्यादा डिमांड हो गई है, ज्यादा डिमांड है जी। तो एफिशिएंसी इसकी मतलब अच्छी एफिशिएंसी अच्छी है, उसमें लैंड लॉसेस 25-30% है, इसमें लैंड लॉसेस और एंड टाइम में लैंड लॉसेस तकरीबन 15-10% है। अच्छा, कितनी गारंटी है जरा बताइए? वारंटी इसकी भी 15 साल वारंटी और 30 साल लाइफ है। 30 साल लाइफ है जी, ठीक है। तो रेट के बारे में जरा बताएं जरा सर, ये मार्केट जो रेट इसके चल रहे ना 56-56 चल रहे, लेकिन आपके व्यूअर्स वगैरह जो भी देख रहे हो उनको ये पड़ेगा 55.5 रुपए पर वाट पड़ेगा। 55.5 रुपए जी, मतलब बेशक मार्केट पूरी मार्केट देख ले, इसके बाद हमसे रब्ता करे, हमारे से जरूरी नहीं है परचेजिंग करे, पहले पूरी मार्केट देखे इसके बाद हमसे रब्ता करे, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके इन्वर्टर्स भी होते हैं आपके पास? जी जी, इसके अलावा बस जीनिक के इन्वर्टर्स भी होते हैं, बस जीनिक में ये ना लो वोल्टेज इन्वर्टर भी होता है, हाई वोल्टेज भी होता है। इसमें लो वोल्टेज जो इन्वर्टर है ना सुनी का, वो Z4 मॉडल है। अच्छा, उसकी 1000 वाट सोलर कैपेसिटी है, ठीक है, और तकरीबन 720 वाट आउटपुट है।
ठीक हो गया जी। इसी में फिर हमारे पास वो कितना 1 किलोवाट का है, वो 1 किलोवाट है। इसकी प्राइस क्या है बताएंगे? इसकी प्राइस वैसे उसके मार्केट रेट चल रहे 52-53 चल रहे, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको वो पड़ जाएगा 50,000 रुपए का 1 किलोवाट जी। 1 किलोवाट मॉडल कौन सा है? मॉडल Z4 1.6 है। ठीक हो गया। वारंटी कितनी इसकी? उसकी 5 ईयर वारंटी है, 1 ईयर पार्ट्स है और 4 ईयर सर्विस वारंटी है। ठीक है, उसके अलावा बताएं जरा। इसके अलावा फिर हमारे पास ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है फोर्स के। ठीक है, ये सादे में ठीक है, और 60 एम्पीयर है और 100 वोल्ट VDC है। अच्छा। आप इसमें 580 वाट 550 वाट के 2 पैनल सीरीज में लगा सकते हैं। ये 12 वोल्ट सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा जी, हो गया। इसके अलावा फिर हमारे पास जीनिक में PV4200 मॉडल है, 3.2 है, बैटरी विदाउट बैटरी दोनों चलता है। मार्केट रेट इसके चल रहे 130,000 रुपए, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 125,000 रुपए में। 3 किलोवाट का जी, 3 किलोवाट का। इसी में फिर हमारे पास 1.7 है जो पूरे पाकिस्तान में इसने तबाही मचाई हुई है, सिंगल बैटरी में, और 2500 वाट सोलर कैपेसिटी है। अच्छा जी, और 1500 वाट आउटपुट है। इसमें 580 वाट के आप 4 पैनल आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और 450 वोल्ट VDC है। और इससे पहले हमने जो आपको बताया ना 50,000 रुपए का, वो लो वोल्टेज है, उसके अंदर आप 150 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं और 600-700 वाट आउटपुट है, इसके अंदर 1500 वाट आउटपुट है। तो कितने पैनल लगा सकते हैं 580 वाले? इसमें 580 वाट के आप 4 पैनल लगा सकते हैं। 4 पैनल कितने किलोवाट का है? ये 1.7 है और इसके क्या बोलते हैं आउटपुट इसका पूरा 1500 वाट। अगर ये 1450 भी दे ना तो आप वापसी रिटर्न ले, पैसे ले जाए। ठीक है, तो क्या प्राइस बताएंगे? ये वैसे मार्केट रेट इसके 80-85,000 रुपए चल रहे, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे उनको ये पड़ेगा 76,000 का। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या बताएंगे? इसके अलावा फिर हमारे पास डायमंड में 4.5 है, PV6500 है, इसके मार्केट रेट चल रहे 155,000-160,000 रुपए, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये पड़ेगा 151,000 रुपए। किलोवाट का ये? ये 4.5 किलोवाट है और सोलर कैपेसिटी इसकी 6,500। इसके बाद बताइए। इसके बाद फिर हमारे पास ये डायमंड 6.5 है, 8,500 वाट सोलर कैपेसिटी है। ठीक है ना, ये 48 वोल्ट में और 6.5 किलोवाट में। मार्केट रेट इसके 185,000 रुपए चल रहे, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको 176,000 रुपए का पड़ेगा। हमारे पास ये 8.5 है, Z5 मॉडल है, PV10 8 किलोवाट जी, 8 किलोवाट है। ठीक है, इसकी सोलर कैपेसिटी 10,000 वाट है। वैसे मार्केट रेट इसके चल रहे 3,80,000 रुपए, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 3,40,000 रुपए। 8 किलोवाट है जी। इसमें कितने पैनल लग जाएंगे? बड़े जो पैनल इसपे आपके यहाँ 18 पैनल लग जाएंगे। बड़ा सिस्टम है ये। हाँ, बड़ा सिस्टम है और सिंगल फेस है। और इसी में फिर हमारे पास 8.5 है, ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी में, ये मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना, ये इसके सोलर कैपेसिटी 11,000 वाट है और इसका डिस्प्ले RGB डिस्प्ले, बहुत अच्छा मॉडल है ये। कितने किलोवाट है ये 8.5 किलोवाट है। मार्केट रेट इसके चल रहे 4,10,000 रुपए, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 3,95,000 रुपए में पड़ जाएगा। ये वाला 12 किलोवाट है, पाकिस्तान में पहली बार जूनिंग कंपनी ने मुतारिफ कराया, सिंगल फेस में जी। इसकी सोलर कैपेसिटी 15,000 वाट है, इसमें आप 24-26 पैनल लगा सकते हैं और आउटपुट इसकी 12 किलोवाट है। ये मार्केट रेट इसके चल रहे 5,30,000 रुपए, लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 4,90,000 रुपए का पड़ेगा। 4,90,000 डिस्काउंट दिया जी। और ये नेटवर्क्स, ये नेटवर्क्स 12 किलोवाट है, मार्केट रेट अभी है ना, असल में ये ब्लैक में बिक रहा है, मार्केट रेट इसकी अभी ऊपर ही चल रही है। अच्छा। लेकिन आपके यूएस वगैरह जो भी देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 8,85,000 रुपए का पड़ेगा। 12 किलोवाट का ये जी, मार्केट रेट इसके अभी ज्यादा चल रहे हैं, असल में अभी ये ब्लैक में बिक रहा है। ठीक है, ये भी हमने किसी कस्टमर के लिए उठाया हुआ है, सही है ना, लेकिन ब्लैक में मिल रहा है, क्या करें, मजबूरी है, लेकिन ऑर्डर है, बहुत डिमांड है इसकी जी, इसकी भी बहुत डिमांड है। इसमें 6 किलोवाट भी आता है? इसमें 6 किलोवाट भी आता है। और कितने किलोवाट का आता है? इसमें 6 किलोवाट आता है नेटवर्क, इसमें 8 किलोवाट आता है। अच्छा, वो भी मिल जाता है, वो मिल जाएगा जी जी। अच्छा फारूक भाई, आपने हैंड टाइप दिखा दिया जो, और इसके अलावा हाइमेक्स भी दिखा दिया जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट केक है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग आइटम है जी जी। इसके अलावा भी अवेलेबिलिटी कौन कौन से अवेलेबिलिटी होती है आपके पास? इसके अलावा हमारे पास जिनको पी टाइप भी पड़ा हुआ है। अच्छा, और जे डबल ग्लास भी मिल जाएगा आपको, कैनेडियन मिल जाएगा, कैनेडियन भी मिल जाएगा, वो सारे अभी वेयर हाउस में पड़े हैं। अभी हमारे पास जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, वो जिंको हैंड टैप और लॉन्जी MO6 पड़ा हुआ है। मतलब अवेलेबिलिटी है सारी जी, अवेलेबिलिटी सारी होती है हमारे, बाकी L2 स्टैंड भी होते हैं हमारे पास। अच्छा, मतलब ये स्टैंड वगैरह जी, स्टैंड वगैरह भी होते हैं इसमें, ये गैल्वेनाइज कहलाता है। ठीक है, L2 स्टैंड, इसमें 16 गेज भी होता है, 14 गेज भी होता है। अगर कोई सोलर पैनल इन्वर्टर वाला खरीद के अगर घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाना चाहे तो क्या ये काम भी करते हैं आप इंस्टॉलेशन के लिए? जी जी, इंस्टॉलेशन करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सही कंपनी मिल जाए, सही लोग मिल जाए इंस्टॉलेशन करने वाला, ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा है, क्योंकि सारा सामान खरीद लिया, इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई तो सब पैसे बर्बाद हो जाते हैं। सर यही असल में आजकल है ना, लोग है ना फेसबुक पे अपनी कंपनी बना के, अपने पेज बना के सोलर का काम पकड़ते हैं। हमारे पास 2-3 लोग आए शिकायत की, बोले हमने ना ऑनलाइन
कंपनी से बात की थी, सही है, उन्होंने हमारा स्ट्रक्चर बनवाया, 75% पेमेंट ले ली, इसके बाद उनके नंबर ही बंद हो रहे थे। अच्छा जी, हमारा तो अपनी बाकायदा देखे, हमारा तो अपना एक कहते हैं कि ठिया है, हम कहीं भी नहीं जा सकते, हमारे ऑफिस है यहाँ पे सदर रीगल चौक पे, G10 मोतीवाला मेंशन है, इदरीस इलेक्ट्रॉनिक्स है शॉप का नाम। जी जी जी, तो इंशा हम लोग नेट मीटिंग भी करते हैं और हाइब्रिड सिस्टम भी लगाते हैं। अच्छा, नेट मीटिंग करते हैं जी, लेकिन कहने का मकसद ये, अगर आप आउट ऑफ सिटी करवाते हैं ना तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस बढ़ जाती है, इसलिए कि 2-3 दिन 4 दिन अगर वहाँ लगते हैं ना तो उसके चार्जेस लगते हैं इंजीनियर की। अच्छा, बाकी कन्वेंस कस्टमर की खुद की होती है अगर आउट ऑफ सिटी में कहीं काम हो, बाकी कराची में कहा जाए जहाँ कहीं भी काम होता है इंशाल्लाह वही रेट होंगे जो कराची में रेट चल रहे। एंड में जरा एड्रेस बता दीजिएगा अपने यहाँ का। सर ये मेन सदर रीगल चौक कराची है, ठीक है, और शॉप का नाम है इदरीस इलेक्ट्रॉनिक्स, और एड्रेस है हमारा G10 मोतीवाला मेंशन। अच्छा ठीक है, शॉप का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर बताइएगा 0322 275-0329। ठीक है, किसी भी किस्म की हमारे जो दिखने वाली जिसको मालूम लगे तो इस पे मतलब है कि अगर कॉल रिसीव ना करे तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।